हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया हमारे शरीर में कैसे होता है, मलेरिया के लक्षण और मलेरिया के टेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए अब बताएंगे मलेरिया के बारे में। व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया क्या है? मलेरिया इज एन इन्फेक्शन डिसीज। मलेरिया एक संक्रमण रोग है, कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। ये एनाफिलीज जो एक मच्छर का नाम है, जो फीमेल मच्छर होती है, मादा मच्छर बोलते हैं जिसे, एनाफिलीज नाम है उसका। मलेरिया उसी के काटने से होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। द सलाइवा ऑफ दिस मॉस्किटो कंटेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विच स्प्रीड दिस इन्फेक्शन। इन मच्छरों की लार में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जो हमारे शरीर में संक्रमण को फैलाता है, संक्रमण को फैलाता है। मलेरिया टाइप, मलेरिया के प्रकार, मलेरिया तीन चार प्रकार के होते हैं। वाइवैक्स मलेरिया, फेल्सिपियरम, ओवेल नोलिज मलेरिया। वाइवैक्स और फेल्सिपियरम ही सिर्फ हमारे इंडिया में मिलता है, बाकी ये अदर कंट्रीज़ों में मिलते हैं मलेरिया देखने को, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलते मलेरिया। तो मलेरिया सिम्टम्स, मलेरिया के लक्षण, तो आप खुद पता कर सकते हैं कि हमें मलेरिया है या नहीं है। हम लक्षण बताएंगे आपको मलेरिया के। पहला, फास्ट हार्ट रेट हो जाना, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। मेंटली कंफ्यूज, मतलब दिमाग से बहकी बहकी बातें करना, जिसे बोलते हैं मतलब बहक जाता आदमी, बहकी बहकी बातें करना, वो उल्टी होना। हाई फीवर एंड चिल बॉडीज, मतलब जाड़ा लगना, बॉडी का कांपना, जाड़ा लगना, उल्टी होना, और बुखार इतनी तेज आएगा, बहुत तेज, हाई ग्रेड फीवर जिसे बोलते हैं एकदम। और ये मलेरिया के वो हैं टेस्ट नेम, मलेरिया के जो टेस्ट कराते हैं ये उनके टेस्ट नेम है। मलेरिया एंटीजन, मलेरिया एंटीबॉडी और माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी होता है ये मलेरिया का, स्लाइड बन के होता है माइक्रोस्कोपी टेस्ट। ये कार्ड लगते हैं, मलेरिया एंटीजन एंटीबॉडी, ये दोनों कार्ड आते हैं। बेहतर इसमें एंटीजन ही है, अगर आप एंटीजन कराएं तो। मलेरिया मेडिसिंस आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी, हमने इसी चक्कर में ऐसी टेबलेट लिखी है जो आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। लारीवो, लारीवो टेबलेट आती है मलेरिया की, इंजेक्शन भी आता है उसमें, साल्ट होता है क्लोरोक्वीन। फिर आता है आर्टिसुनेट 60 mg में, इसका इंजेक्शन ही आता है आर्टिसुनेट का, ये 60 mg में होता है इंजेक्शन। ये IV, IM दोनों तरीके से लग सकता है, इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दोनों तरीके से लगवा सकते हैं। एक फिर ये अल्टीमेथर, इसमें टेबलेट आती है अल्टीमेथर में, 1 3 2 नाम से टेबलेट आती है। और एक बार दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, बिना डॉक्टर के मशवरे से दवा नहीं लें मलेरिया की।